कहते हैं कि अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है पुलिस, रेड कारपेट बिछाई है, केवल एक के खिलाफ FIR है क्या, 10 लोगों के खिलाफ है, तौकीर रजा हैं, ओवैसी हैं, मदनी हैं, तमाम लोगों के, उनके लिए क्यों नहीं कहा कि क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हैं। तौकीर रजा ने कितना भयावह बोला था, ओवैसी ने बोला था मोदी चले जाएंगे पर्वतों में, योगी चले जाएंगे मठ में, तुम्हारी रक्षा कौन करेगा, इसमें हिंसा की उकसाने की बात नहीं थी, धमकाने की बात नहीं थी क्या, तो उन लोगों को अरेस्ट करने के लिए क्यों नहीं कहा। यह एक भ्रामक ही नहीं, कुत्सित पूर्वाग्रही मानसिकता से जस्टिस पार्डी वाला और सूर्यकांत ने बातें कही हैं, वो घोर निंदनीय है, और सिस्टम अगर उन्हें लगता है उनका है तो उसी लिए ये जागृति पैदा करने के लिए पत्र दिया गया है, और पूरे देश की ओर से पत्र देना चाहिए, निकलना चाहिए, हम सबको पत्र भेजना चाहिए। इसमें निश्चित रूप से आपको मालूम होगा, कल ट्विटर पे ट्रेंड किया इम्पीचमेंट का इन्हीं जस्टिस के विरुद्ध, और टॉप ट्रेंड किया वो, हालांकि उसे एकाएक सडन सप्रेस कर दिया गया ट्विटर के लोगों द्वारा, लेकिन टॉप ट्रेंड किया है कल। तो भारत पूरा महाभियोग मांग रहा है इन न्यायमूर्तियों के विरुद्ध, वो न्याय की कुर्सी पर बैठ कर न्याय कर ही नहीं रहे हैं, मांग मैं कुछ और रहा हूँ, दे आप कुछ और रहे हैं, डिलीवर्ड जो कर रहे हैं उससे जो मांगने गया है उसका जीवन खतरे में आ गया है, और आप इसका मतलब उसका गर्दन कटेगा उस हत्या के लिए भी, ये बैठे हुए जो न्यायाधीश थे दोनों उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार माने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, उन लोगों ने जो है उन लोगों ने ऐसी भद्दी टिप्पणी की है जिसका कोई मतलब अर्थ ही नहीं है, उसका जो समाज पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो गलत पड़ेगा ना, पूरे देश में आग लगी हुई है, आप उसमें घी डाल रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं, आपको पता नहीं है, आप इतने बड़े जो है पद पर बैठे हो के आप इस तरह की टीका टिप्पणी करेंगे, आप माहौल खराब करेंगे, धार्मिक उन्माद पैदा करेंगे लोगों के बीच में कि ताकि बलवा हो। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। नूपुर सरमा के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो टिप्पणी की है उसके विरोध में कई सारे पूर्व न्यायाधीश और ब्यूरोक्रेट्स ने पत्र लिखा है कि जो जज ने जो बोला है बिल्कुल गलत बोला है, उनको अपनी बात पर क्षमा मांगनी चाहिए, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से यह भी मांग की है कि इनका रोस्टर समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ अधिवक्ता जन हैं, आइए हम लोग उनसे जानेंगे क्या कहना उनका। सर क्या कहेंगे जो पत्र लिखा गया है कि इन्होंने गलत कहा है सुप्रीम कोर्ट के जज? सुप्रीम कोर्ट के जज ने गलत किया है, असंवैधानिक कृत्य किया है वो। जी हाँ, हमने एप्लीकेशन किसी और चीज़ के लिए दिया और आप उसको रिजेक्ट करने का दबाव भी बना रहे हो और वापस ले लो और टिप्पणी भी हमारे ऊपर उल्टा कर दो। क्या गलत कहा था उसने कि ट्रांसफ़र कर दो सारे एप्लीकेशन को एक जगह पे? ऐसे पहले भी बहुत सारे केसेस में हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश महोदय के द्वारा, इस केस में क्यों नहीं हो रहा है? ये विशेष केस तो है नहीं या स्पेशल श्रेणी में का केस तो है नहीं, पहले आपने किया है अर्णव गोस्वामी के केस में किया, उससे पहले भी किया है, इसमें क्यों नहीं किया गया? यह भी बात हो रही कि इनका रोस्टर समाप्त कर देना चाहिए, ऐसे जजेस के पास केस ही नहीं जाने चाहिए जिनसे वकीलों को भी तकलीफ हो, सीधी सी चीज़ है। हम न्याय दिलाने के लिए जाते हैं वहाँ पे, न्याय न मिल करके हमारे ऊपर कोई चीज़ थोपी जाए ऐसा कैसे होना चाहिए? अच्छा एक बात सर, उसमें भी आई है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला था कि आप FIR हुआ था तो आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया, तो जो पत्र लिखा गया है उसमें बोला गया है कि ये कौन सी बात हुई, FIR हो तो गिरफ्तारी आवश्यक नहीं होती है, ऐसा कुछ है? गिरफ्तारी को लेके देखें, उनकी जो दो टिप्पणी थी, एक धर्म के आधार पे उन्होंने टिप्पणी नहीं की, हम लोग धर्म के आधार पे कुछ चीज़ें, हम लोग का सनातनी है हिंदू धर्म, धर्म के आधार पे उन्होंने न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत क्या ही जो अदम निराधार और गलत चीज़ों को उन्होंने कहते हुए कहा, वो एकदम निराधार है क्योंकि न्यायिक व्यवस्था में मांगा कुछ गया था और उन्होंने टिप्पणी कुछ अलग कर दी, तो हम उसको नहीं मानते, हमारी हिंदू धर्म उसको नहीं मानते। जज ने जो एक तरह से उदयपुर के घटना के लिए उन्हें को दोषी ठहरा दिया था, नहीं तो वो गलत है, सरासर गलत है, गलत आप कहीं की बात और चीज़ें, दो चीज़ों का अलग अलग अवलोकन है और आप कर रहे हैं किसी और चीज़ों पर व्यक्तिगत, तो हमें तो लगता है कि वो कई व्यक्तिगत चीज़ों को लेके तो नहीं कर दिए कि उनका कुछ उससे इंटरेस्ट हो। तो ये अभी बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया पे लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं उनको रोका जाए, सोशल मीडिया जो सही है, हम लोग देखे हमारा जो हिंदुस्तान है, हम अपनी और लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बातों को सभी को कहना चाहिए,
और एक बात जानिए, और न्यायिक व्यवस्था के अनुरूप हम लोग न्याय की व्यवस्था है, ठीक है, उसके भी हम लोग एक अंग है, और आप एकदम अलग जाके चीज़ों को कह रहे हैं जो न्यायिक व्यवस्था से नहीं ताल्लुकात रखती है, तो सरासर गलत है ना। क्या कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस जे.बी. पादरीवाला जो है, इनके फादर जो है कांग्रेस के MLA रहे हैं और गुजरात के सातवें स्पीकर भी रहे हैं, तो ये केवल BJP के विरोध में कांग्रेस की मानसिकता से ये बात बोले हैं। ये कोलोजनियम प्रथा से ही आए हैं जी। कांग्रेस के शासन में कोलोजनियम प्रथा से ही पादरी वाला जज बने हुए हैं, तो उनकी सोच वही रहेगी जो कांग्रेस पार्टी की सोच है, विचारधारा भी वही रहेगी। दूसरी बात, महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान हर जगह है, चाहे छोटा मामला हो चाहे बड़ा मामला, पारिवारिक मामले में भी होते हैं तो उनको कहा जाता है जहाँ वो रहती हैं एक ही जगह सारे मुकदमे स्थानांतरित किए जाते हैं। इसमें उसने क्या गलत मांग की थी, कहे कि सब जगह मेरा कई जगह कर दिया जाए, उसके बाद आपने लीगल हट के बता दिया कि नहीं अब तुम आप चलिए सोशल मीडिया पर माफ़ी मांगिए। अरे उसका प्रावधान ही नहीं है, कोई प्रेयर ही नहीं है, जो चीज़ हम प्रेयर करेंगे उसी का ना आप देंगे आदेश देंगे, ये सब टोटल उनका ये कहना था सरासर गलत है। अभी तो अजमेर शरीफ दरगाह के जो वहाँ के लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि जो नूपुर शर्मा का कत्ल करेगा उसको हम ना घर दे देंगे, तो इतना खतरा है लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि हाईकोर्ट जब हम लोग तुष्टिकरण की नीति अपनाएंगे और सबको बढ़ावा देंगे तो यही लक्षण हुई करेगा, कुछ दिन तालिबान की स्थिति हो जाएगी। झारखंड के एक जगह की एक पेपर में दैनिक जागरण में एक चीज़ प्रकाशित हुई है जिसमें ये कहा गया है कि उसने बच्चों को गलत जाके शिक्षा, तो उसमें एक उसने कहा कि हम लोग तो 75% हैं, हम लोग अल्पसंख्यक थोड़ी हैं, हम 70 इंडिया ऑल इंडिया बेसिस पर देखिए, ऑल वर्ल्ड बेसिस पर देखिए, तो हम लोग 75% हैं, तुम लोग कुछ नहीं हो। और मेरा कहा जाएगा और मैं जो कहूँगा वो मानोगे, जो प्रेयर पढ़ी जाती है उसको भी वो सब चीज़ें चेंज करके। और जो मैंने पहले भी आपसे कहा कि देखिए यहाँ न्यायिक व्यवस्था के अनुरूप उन्होंने एक निर्णय या अपनी जो भी बातें कही हैं वो पर्सनल कोई इंटरेस्ट उनका कहीं था, उस इंटरेस्ट को लेके उन्होंने हिंदू धर्म के भावनाओं से भी एक उससे बहुत दुखी है, हिंदू धर्म की जो उसे भावनाएं आहत हुई है कि एक बताइए सुप्रीम कोर्ट का सबसे इंडिया का हमारा सबसे बड़ी न्याय व्यवस्था ऐसा चीज़ कहता है कि जो समझ लिए सारी हिंदू धर्म की भावनाएं उससे आहत हुई है। फ्रांस में जब वहाँ के एक शिक्षक का गर्दन काट दिया गया था तो फ्रांस के लोगों ने सड़क पर उतर के प्रतिकार किया और वहाँ की कोई भी न्यायिक व्यवस्था इसका विरोध नहीं की बल्कि समर्थन ही की, और उस यूरोपीय उस अमेरिकी व्यवस्था से सेकुलरिज्म आप अपने यहाँ ले आते हैं और केवल नाम का बना के रखते हैं और उसके बाद तुष्टिकरण केवल करते हैं, और न्यायिक व्यवस्था के आदेशों में भी मौखिक आदेश में लिखित कुछ नहीं कहा, मौखिक टिप्पणी में भी उसका रिफ्लेक्शन तुष्टिकरण का रिफ्लेक्ट होता है, तो इसका मतलब वहाँ के बैठे हुए जजों का कोई हिडन एजेंडा है पहले से पूर्व नियोजित, वो न्याय की कुर्सी पर बैठ कर न्याय कर ही नहीं रहे हैं, मांग मैं कुछ और रहा हूँ दे आप कुछ और रहे हैं, डिलीवर्ड जो कर रहे हैं उससे जो मांगने गया है उसका जीवन खतरे में आ गया है, और आप इसका मतलब उसका गर्दन कटेगा उस हत्या के लिए भी ये बैठे हुए जो न्यायाधीश थे दोनों उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार माने जाएंगे। उन्होंने जैसी टिप्पणी की है और कल के डेट में नूपुर शर्मा की हत्या हो जाती है इसी प्रकार से जिस प्रकार से उदयपुर में हुई है, तो उसके लिए वो उनकी ये टिप्पणी 100% जिम्मेदार होगी, क्योंकि आप बैठ के एक ऊँचे पद पर बैठ के इस तरह के टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है वो भी लोकतंत्र में, तो फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ है, वो भी उन विषयों पर जो पूर्व में 500 लोगों ने कहा है, किताबों में प्रकाशित है, कई लोगों ने किताबें लिखी हैं, ऐसा तो कुछ उसने कहा भी नहीं टिप्पणी में, कुछ लोगों को पसंद आया कुछ लोगों को नहीं पसंद आया ये अलग विषय हो सकता है, लेकिन न्यायालय में मैं मांगने जाऊँ आम हमको आप आम तो दे नहीं रहे जो अन्य लोगों को आपने दिया, विषय मतलब आम का कहने का मतलब विषय आम नहीं है, कहने का मतलब है कि जो मैं मांग रहा हूँ न्यायालय से न्याय के लिए जो मेरा प्रार्थना पत्र है ठीक है वो तो आप हमको दे नहीं रहे, ऊपर से आप हम पे ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं जिससे हमारा जीवन पूर्णतः खतरे में आ जाएगा, आ गया
क्योंकि न्यायालय में न्याय तो आप दे नहीं रहे हैं। न्याय पे जाकिर नाइक ने भी कहा है। हाँ, जाकिर नाइक ने कहा, कई अन्य लोगों ने कहा, जिहादियों को मौका मिल जाएगा। अरे सुप्रीम कोर्ट ने सीधे जाकिर नाइक को क्यों नहीं तलब कर लिया उस मुद्दे पे? उसने इससे भी विभत्स बयान दिया हुआ है, कई लोगों ने दिया। इनके पास सो मोटो अधिकार है, ये क्षेत्राधिकार तो है उनके पास। उस समय पहले एक फिल्म आई थी पीके, तो उसके विरोध में कोर्ट में गया गया था, तो कोर्ट ने बोला कि आपको फिल्म नहीं पसंद है तो आप फिल्म देखिए मत, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो गई। देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे डुअल स्टैंडर्ड, दोहरा मानदंड अपनाया जा रहा है। लेकिन प्रश्न ये भी नहीं है, इससे आगे बढ़ चुका है, जिस बात की निंदा करते हुए 15 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों ने, न्यायमूर्तियों ने, देश भर के नौकरशाहों और अधिवक्ताओं ने पत्र लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और प्रेसिडेंट को कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यह अराजकता अगर संवैधानिक पीठ पर सर्वोच्च न्यायालय में बैठ के इस ढंग की भाषा की जाएगी, वहाँ अनर्गल प्रलाप के लिए आप नहीं बैठ के काम कर सकते हैं। आपको भी संविधान की मर्यादाओं का पालन करना अनिवार्य है, चाहे जो बोल दें, जिसके संदर्भ में बोल दें। और जो आप बात कह रहे हैं, एक्चुअली यह वही है जो कश्मीर फाइल्स में आया था, सरकार तुम्हारी है लेकिन सिस्टम हमारा है। तो वही सिस्टम हमारा है कि तर्ज पे ये कार्य हो रहा है, पूरी व्यवस्था को बदनाम करने के लिए, गला काटने की जो प्रतियोगिता चल रही है, जो आतंकवाद मचाया जा रहा है, उसको संरक्षण देने का कार्य किया है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति द्वय ने, और घोर निंदनीय है। साथ ही साथ भारत की न्याय प्रणाली, विश्व बंधुत्व हम लोग कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, सबको तहस नहस कर देने वाला उन्होंने कथन किया है। कहते हैं कि अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है पुलिस, रेड कारपेट बिछाई है, केवल एक के खिलाफ FIR है क्या, 10 लोगों के खिलाफ है, तौकीर रजा हैं, ओवैसी हैं, मदनी हैं, तमाम लोगों के, उनके लिए क्यों नहीं कहा कि क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हैं? तौकीर रजा ने कितना भयावह बोला था, ओवैसी ने बोला था मोदी चले जाएंगे पर्वतों में, योगी चले जाएंगे मठ में, तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? इसमें हिंसा के उकसाने की बात नहीं थी, धमकाने की बात नहीं थी क्या? तो उन लोगों को अरेस्ट करने के लिए क्यों नहीं कहा? यह एक भ्रामक ही नहीं, कुत्सित पूर्वाग्रही मानसिकता से जस्टिस पार्डी वाला और सूर्यकांत ने बातें कही हैं, वो घोर निंदनीय है। और सिस्टम अगर उन्हें लगता है उनका है, तो उसी लिए ये जागृति पैदा करने के लिए पत्र दिया गया है, और पूरे देश की ओर से पत्र देना चाहिए, निकलना चाहिए, हम सबको पत्र भेजना चाहिए। इसमें निश्चित रूप से आपको मालूम होगा, कल ट्विटर पे ट्रेंड किया इम्पीचमेंट का इन्हीं जस्टिस के विरुद्ध, और टॉप ट्रेंड किया वो, हालांकि उसे एकाएक सडन सप्रेस कर दिया गया ट्विटर के लोगों द्वारा, लेकिन टॉप ट्रेंड किया है कल। तो भारत पूरा महाभियोग मांग रहा है इन न्यायमूर्तियों के विरुद्ध। पहले था कि प्रॉफिट के विरोध में कुछ कहोगे तो सर तन से जुदा हो जाएगा, अब तो नुपुर शर्मा के समर्थन करने पे सर तन से जुदा हो रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र में हुआ, और जगह जगह लोग माफ़ी मांग रहे हैं। तो मतलब आप भगवान की पूजा करने जाएंगे तब भी आपका सर तन से जुदा हो जाएगा, तब क्या करेंगे आप अगर इसी तरह की व्यवस्था रही तो? अभी तो आप एक फ़ोटो लगा ले रहे हैं तो आपको फ़ोन से धमकी दी जा रही है, तब क्या करेंगे आप? और अगर इनका सपोर्ट इसी तरह से किया जाता रहा तब क्या करेंगे आप? कैसे रहेंगे इसमें हिंदुस्तान में? क्या सोचेंगे और कौन करेगा जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारी है न्याय व्यवस्था की? अगर वो इस तरह से कमेंट करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, किसके पास? अगर आपको सुनना हो तो जस्टिस ढींगरा को सुनिए, बड़े नपे तुले शब्दों में उन्होंने पूरी न्याय व्यवस्था के सिस्टम को तार तार किया है, और कुछ नहीं कह सकते। उन्होंने भी साइन किया उस पत्र में जी। जी 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 बिल्कुल। आप उनको सुनिए, बताइए सर। जो देखिए, मैं आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य को कोड करते हुए एक बात कहूँगा। चाणक्य ने कहा है कि जब राष्ट्र वंदना के स्वर दिशाओं में नहीं गूंजेंगे तो हमारे उपासना के अन्य मार्ग भी निष्कंटक नहीं रहेंगे, और जब आज देश राष्ट्रवाद की तरफ चल रहा है, वंदे मातरम, भारत माता की जय, तमाम ऐसे राष्ट्रवादी श्लोक और ये सब चीज़ें दिशाओं में अब गूंजने लगी हैं, तो इन जिहादियों को तकलीफ़ हो रही है। और ये बहुत बड़ा संगठन है, मैं बता दूं आपसे,
ये टुकड़े टुकड़े गैंग और वामपंथी अलगाववादी नक्सलवादी ये जितने लिब्रांडू हैं और ये जितने इसमें तमाम जजेस भी हैं, ये बड़े दुर्भाग्य के साथ मैं कह रहा हूँ, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसमें ऐसे जज भी हैं इस मानसिकता से ग्रसित, इन्हीं के लिए कहा गया है कि विघटनकारी संगठित हैं और संगठनकारी विघटित हैं। इसी का यह परिणाम है कि ऐसे लोग जो चाहे सर्वोच्च संस्था पर आप बैठे हुए हैं और वहाँ से बैठ करके इस तरह से गैर जिम्मेदारान टिप्पणी कर रहे हैं, इससे देश में क्या माहौल खड़ा होगा। अभी वकील साहब ने जो कहा है कि नूपुर शर्मा की हत्या अगर होती है, कुछ होता है, तो सीधे सीधे ये जिम्मेदार हैं। और दूसरी बात, ये जो हत्या हुई है कन्हैया लाल की, इसमें नूपुर शर्मा का बयान कहीं से जिम्मेदार नहीं है, नूपुर शर्मा कहीं जिम्मेदार नहीं है। उनके पास जो गाड़ी पकड़ी गई, उस गाड़ी का नंबर 26 11 अब सोचिए, वो ऑलरेडी जिहादी मानसिकता के हैं, उनका प्लान है और वो अपने मिशन पर लगे हुए हैं। ये तो नूपुर शर्मा बहाना है। हाँ, ये बात है कि ये जज साहब ने जो कहा है, इस कारण बड़े बड़े राष्ट्रवादियों की, केवल नूपुर शर्मा नहीं है, हम भी उसमें शामिल हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, हमारी भी हत्या हो सकती है, इनकी भी हत्या हो सकती है, तो इन सब की जिम्मेदार अब ये सूर्यकांत और ये कौन पार्टी वाला है, ये लोग होंगे। क्या कहेंगे सर आप, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों ने टिप्पणी की है, एक पत्र लिखा है कि इन्होंने जो भी कहा है, जजों ने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट के जज पारदीवाला सूर्यकांत ने बिल्कुल गलत कहा है, इनका रोस्टर समाप्त किया जाना चाहिए, इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, वो उनकी जो टिप्पणी है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई महिला आपके यहाँ एक जो है रिट, उसने पिटीशन डाली थी, रिट पिटीशन के माध्यम से वो प्रेयर कर रही थी कि मेरे सारे मुकदमों को, मैं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हूँ, इसलिए मेरे सारे जो है मामलों को एक जगह कर दिया जाए ताकि मैं उसका जो है सही से निदान कर सकूँ। लेकिन उल्टा इन्होंने, मतलब जो है उसमें कोई फर्दर आर्डर ना करके, ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, उन लोगों ने ऐसी भद्दी टिप्पणी की है जिसका कोई मतलब अर्थ ही नहीं है। उसका जो समाज पर जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो गलत पड़ेगा ना। पूरे देश में आग लगी हुई है, आप उसमें घी डाल रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं, आपको पता नहीं है? आप इतने बड़े जो है पद पर बैठे हो के आप इस तरह की टीका टिप्पणी करेंगे, आप माहौल खराब करेंगे, धार्मिक उन्माद पैदा करेंगे लोगों के बीच में कि ताकि बलवा हो, तो ये आपका जो कृत्य है वो निंदनीय है। आपको इस पद पर बैठ के इस तरह के जो है मतलब स्टेटमेंट या टिप्पणी टीका टिप्पणी से बचना चाहिए, न्यायमूर्तियों को इन चीज़ों से बचना चाहिए। जो आपको सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के तहत दिया गया है, वो आप करिए, ऑर्डर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक महिला आपके सामने प्रेयर करने गई थी, आप उसको कह क्या रहे हैं? आप उसको कह रहे हैं कि आपकी वजह से जो है वो जो है उदयपुर का जो मर्डर हो गया, वो मतलब गला काट दिया गया? ये सरासर गलत है, असंवैधानिक है, इसके खिलाफ तो महाभियोग चलना चाहिए।